था, लेकिन वीडियो में जो कंटेंट था वो बड़ा कमाल का था, और उससे भी बड़ा जो कमाल की चीज थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट चीजें तो होंगी, स्मार्ट होंगी। ये जो फ्लाईओवर वाला एरिया दिखाया ना, जब ऊपर खड़े हुए उन्होंने ऐसा घुमाया अपना कैमरा, बिल्कुल, तो मुझे कसम से जैसी बिल्डिंग थी या दिल्ली वाला नोएडा के जो आसपास के एरियाज होते हैं ना, वो लग रहे थे। सही बात। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक और व्लॉग देखने जा रहे हैं, और जो जम्मू स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उस पे जो काम अभी तक हुआ है और जो चल रहा है उसके बारे में ये व्लॉग है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस, मैं हूँ आपके साथ अरफात अली, और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल अरफात अली व्लॉग्स में। तो फिलहाल आज का व्लॉग रहेगा कि जो हमारी जम्मू की स्मार्ट सिटी, कब से बोले जा रहे कि स्मार्ट सिटी, तो आखिरकार आज हम बताएंगे कि जम्मू की स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ बन रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल चलते हैं, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ देख पा रहे हो यहाँ पे, यह मेरे साथ है अफसान, तो ये खड़ी है हमारी बाइक यहाँ पे। तो कल हमने इसके डीबी किलर वगैरह भी निकाले, तो आपको इसकी आवाज़ वगैरह सुनाएंगे कि कैसी आ रही है। तो बैक फायर इतने अच्छे मार रही है ना ये। तो चलते हैं फिलहाल, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, जो कि हमारा ये देख सकते हो वहाँ पे अमर सिंह क्लब और होटल एशिया जो है यहाँ पे विक्रम चौक के इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हूँ मैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ जम्मू स्मार्ट सिटी और खंड मिठे लोग डोगरे, ठीक है। तो आपको अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ फिलहाल। अभी तो अभी पैदल चल के, तो ये बहुत लंबी आई थिंक कोई आधा किलोमीटर दीवार है जो इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह बनाई है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो फिलहाल मैं बाइक पे चल के आपको पूरा कवर करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो मेरे सामने आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे टाइगर हिल का, तो इन्होंने जो सीनरी पेंटिंग वगैरह बनाई है तो कितनी अच्छी बनाई है। तो ये आप देख पा रहे होगे पूरा सीमेंट के थ्रू इन्होंने बनाया हुआ है, नीचे कटिंग करके बहुत ही अच्छी पेंटिंग है हमारे आर्मी के जवान ये। तो ऊपर देख सकते हो कितना प्यारा वो टाइगर हिल बनाई हुई है पूरी पहाड़ी, तो उसके ऊपर वहाँ पर झंडा लेके बैठे हुए हैं। बाइक में मैं चल के आपको पूरा कवर करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आगे यहाँ पर जो डोगरी कल्चर वगैरह होता है, तो उनका जो फंक्शन वगैरह, जैसे कि ये देख सकते हो कितना प्यारा बनाया हुआ यहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे जम्मू में बन रही है। ये हमारे डोगरी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये देखो गाइस चेक करो, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, तो ये चेक करो, ये आई थिंक ये हाँ ये बारात जा रही है, लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ पर ये रंगोलियाँ बना रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पर मतलब मेन ये है, ये सतवारी वाला हाईवे है, विक्रम चौक से लेके सतवारी वाला हाईवे, उस साइड भी आप देख पा रहे होगे पेंटिंग है। तो अमर सिंह क्लब है जो कि उसके ऑपोजिट आके ये बनाया हुआ पूरा आगे तक पेंटिंग बनाई है, तो अच्छी बात है, जम्मू हमारा तरक्की कर। सो फिलहाल अभी चल रहे हैं हम दूसरी लोकेशन में, आपको बताते हैं। तो ये है जो कि हमारा विक्रम चौक का फ्लाई ओवर है, तो हर एक पिलर के नीचे आपको पेंटिंग मिलेगी। यहाँ पे सामने हमारे जो ये बकरवाल वगैरह उनकी पेंटिंग बनाई हुई है, जो कि मतलब यहाँ का कल्चर है, और जो कि यहाँ पे जिस मतलब मज़हब के लोग रहते हैं उनकी पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है यहाँ पे, पूरी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े तीन कैमरे लगाए हुए हैं यहाँ पे, कैमरे वगैरह हर, आप कोई भी यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल है वो तोड़ नहीं सकता। अभी फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं जो कि स्मार्ट सिटी का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये है हमारा गांधीनगर का जो अप्सरा रोड था, ये सामने देख पा रहे होगे आप गांधीनगर अप्सरा रोड की ये जो मस्जिद है। यहाँ बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो बन रही है यहाँ पे अभी। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी बहुत ही ज़ोरों से काम लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप नीचे से लेके ऊपर तक पूरा काम लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता था पहले कि रश वगैरह जाम होता था जो बहुत लगता था यहाँ पे, तो इन्होंने नीचे ये देख सकते हो आप यहाँ पे टाइलें वगैरह लगाई हुई है लुक बिल्कुल हटा के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस साइड पे भी बेंच वगैरह लगाएंगे बैठने के लिए, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट भी, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं, यहाँ पे पैदल चलने के लिए बनाएंगे सब कुछ, तो जिससे कि गाड़ी का जाम वगैरह नहीं लगे। देख सकते हो यहाँ पे आगे भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है यहाँ पे। सो फिलहाल अभी हमने जो विक्रम चौक का ये ब्रिज है, यहाँ हमने बाइक लगाई हुई है, तो आपको मैं एक बार सेकेंड नीचे का व्यू चेक करवाता हूँ। देख सकते हो हमारा तभी नीचे, तो साइड में ये देख सकते हो सामने वहाँ पर पार्क बन रही है, तो कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, तो बहुत ही तेज़ी से काम लगा वहाँ पर देख सकते हो आप।
तो यहाँ से नीचे बाकी नीचे एक और ब्रिज बन रहा है आप देख पा रहे होगे। तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ जो कि हमारा जम्मू का एमएस स्टेडियम है उसके सामने। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे जो जम्मू का एमएस स्टेडियम का जो एंट्री गेट है तो कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी से काम लगा हुआ है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। अपने उसके अपोजिट मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इनके नीचे फ्लावर्स वगैरह तो पूरे कितने लगाए हुए हैं इन्होंने, चेक कर सकते हो आप। तो सामने आप देख पा रहे होगे वो एक झरना टाइप वहाँ पे लगाया हुआ है। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ साइंस कॉलेज के बाहर। तो यहाँ पे ना ट्रैफिक जैम वगैरह बहुत रहता है, तो आई थिंक जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने कुछ सोचा होगा यहाँ के लिए, तो यहाँ पर भी इनको सोचना चाहिए जो ट्रैफिक जैम इतना लगता है। तो फिलहाल जा रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारा अखनूर का जो फ्लाईओवर बनना है तो बहुत ही अच्छा एक फ्लाईओवर बनना है, तो उसके नीचे से चलेंगे हम। बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है और उसके नीचे से जैसे कि आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा दिल्ली वाली साइड बॉम्बे वाली साइड ऐसे फ्लाईओवर होते हैं नीचे से, मतलब पूरी एक फील ही अलग आता है चलने का। तो वहाँ पर जाके आपको व्यू चेक करवाएँगे। अब दिल्ली और मतलब बॉम्बे जो कि जम्मू से बाहर हम देखते थे जम्मू में हमें देखने के लिए नहीं मिलता था, तो वो अब हमें जम्मू में भी स्मार्ट सिटी के तहत देखने को मिलेगा। मेरे सामने देख पा रहे हो गए ये रोड जा रहा हमारा अखनूर का जो हाईवे पूरा फ्लाईओवर बना, देख सकते हो कितना प्यारा है। तो कितनी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर, देख सकते हो कितना प्यारा मतलब खुलाई टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर, पहले इतना ट्रैफिक जाम वगैरह लगता था तो अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देख सकते हो कितना प्यारा ये बनाया हुआ पर फ्लाईओवर, तो बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है ये, आगे से आई थिंक कोई 2 से 3 किलोमीटर तक है, इतना मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं कितना लंबा है। आते वक्त हम यहाँ पे नीचे से आएंगे, जैसे कि मैंने आपको व्यू बताया था कि जो कि दिल्ली वाली साइड वगैरह ये व्यू मैंने चेक किए थे, तो यहाँ पे तो जम्मू में ये आई थिंक फर्स्ट ही है ये। तो नीचे से आएंगे तो ऊपर आपको फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर देखने को मिलेगा, तो नीचे से आएंगे देखना कितनी प्यारी वाइब आती है, आप वहाँ पर चेक करना। सो फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं एंड में फ्लाईओवर के ऊपर से। मैंने तो सोचा 2-3 किलोमीटर यार भैया तो बहुत ही लंबा था, आई थिंक ये 3 से 4 के 5 किलोमीटर के बीच में रहेगा। तो आगे से अब हम यू टर्न लेके आए हैं, तो अभी हम चलेंगे नीचे वाली साइड, तो ऊपर हमारे फ्लाईओवर रहेगा, तो नीचे का व्यू चेक करवाएंगे आपको कि नीचे का व्यू कितना अच्छा। सो गाइस ये व्यू चेक करो आप यार, ये व्यू देखो कितना अच्छा है यार। मैं तो ये सोचता था कि ये दिल्ली वगैरह वाली साइड ही होंगे, तो ये देखो यार जम्मू में भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर मतलब पूरा 4 से 5 किलोमीटर तक फ्लाईओवर रहेगा, नीचे देख सकते हो कितना साफ सफाई से अभी इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो ये पेड़ अभी वो जब बड़े होंगे तो फिर तो एक अलग ही वाइब आएगी। तो मैंने अपने जावा के डीपी किलर वगैरह भी निकाल दिए, तो बैक फायर इतना सही मारे आई थी कि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि माइक मेरा हेलमेट के अंदर वाली साइड है। देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यार गाइस, चेक करो। जैसे अब कोई भी अगर आप सुपर बाइक वगैरह लेके आते हो ना, साउंड एक इतनी अच्छी है वाइब आती है ना चलाने की, चेक कर सकते हो आप। तो ये हमारा जम्मू का स्मार्ट सिटी रहता है, देख सकते हो गाइस। पहले यहाँ पे इतना जाम वगैरह लगता था जबकि ये फ्लाईओवर नहीं होता था, तो अभी चेक कर सकते हो आप यार फ्लाईओवर बना है तो कोई जाम वगैरह आपको देखने को ही नहीं मिलता है। वरना यहाँ पे पहले आधा आधा एक एक घंटा जाम लगा रहता था क्योंकि पुंछ रजौरी वाली साइड और मुगल रोड की साइड जैसे कोई भी टूरिस्ट वगैरह जाता है तो यहाँ पे जाम वगैरह से फंसे रहते थे। तो जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने देख सकते हो कितना अच्छा काम किया यहाँ पे। तो और भी चलते आगे तो आपको कवर करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ और बन रही है। सो फिलहाल अभी मैं हूँ गुज्जर नगर चौक में और मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो साइकिल्स वगैरह आए, तो इस साइकिल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। तो मेरे सामने आप ये देख पा रहे होगे ये बोर्ड लगा हुआ है साइकिल का, तो ये है याना की साइकिल जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो इसको यूज़ कैसे करना आपने, तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, जैसे कि पहला पॉइंट है आपने याना ऐप डाउनलोड करना है, फिर अपने मोबाइल नंबर में साइन इन करना, ओटीपी आएगा, फिर आपके पास याना ऐप आएगा, उसमें आपने क्या करना है कि लोकेशन होगी वो करनी है, फिर आपने क्या करना है इसमें फ़ीस होती है आई थिंक 15 रुपये या 20 रुपये इसके तहत ये होती है किलोमीटर के हिसाब से। फिर आपने क्या करना है स्कैन करना है कोड, अभी मैं बताऊँगा आपको कि ये देख सकते हो आप यहाँ पर
ये कोड दिया हुआ है इसका, तो ये जाना है अब आपने डाउनलोड करके ये कोड आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इस साइकिल को ले सकते हो, मतलब कहीं भी लेके। तो ये यहाँ पे जम्मू में आई थिंक 800 से कोई 1000 साइकिल है। ज़रूरी नहीं है अगर जैसे कि आपने ये साइकिल यहाँ से उठाई तो ये आप आगे लेके आप किसी भी मतलब जो दूसरा याना का साइकिल का स्टैंड होगा तो वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत बनाए हो, देख सकते हो आप यहाँ पे 5 से 6 साइकिलें लगी हुई है यहाँ पे। सो फिलहाल अभी मैं हूँ नरवाल चौक से थोड़ी सी आगे आके, मेरे सामने आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वगैरह, इलेक्ट्रिक ये ऑटो लोडर वगैरह भी है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपको। ये भी जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत आए हुए हैं, क्योंकि बाकी आपने देखे थे डीज़ल वगैरह के तो वो आपने देखे हुए थे, उसके उससे क्या होता था पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, तो किराया वगैरह भी बहुत लेते थे। तो इसका किराया भी जेन्युइन रहता है और ना इससे पोल्यूशन वगैरह होगा, ये चार्जिंग करेंगे तो बैटरी वगैरह का टाइप है ये, तो देख सकते हो कितना अच्छा है। क्योंकि पोल्यूशन की इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर आ गया भाई, सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई है, धुंध वगैरह, तो कैसे होगी भाई पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो वेदर का तो अब पता ही नहीं लगे। आने वाले टाइम पर तो आप देख सकते हो जैसे कितना पोल्यूशन वगैरह, अगर इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि आजकल हार्ट अटैक वगैरह, तो सांस फूलती है उसकी प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो उस चीज़ को सोच के हमारी जो यहाँ की सरकार वगैरह, तो वो देख सकते हो कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, तो ये ऑटो रिक्शा वगैरह बनाए हैं इलेक्ट्रिक, तो चलते हैं। अगर हम बात करें तो जो कल्चर है वो दर्शाया गया है, जो अचीवमेंट है वो दर्शाई गई है, जैसे कि हम कारगिल वॉर की भी बात करें, जो टाइगर हिल है उसको जिस तरीके से खूबसूरती के साथ दर्शाया गया, फिर जो डोगरी कल्चर है वो उसको एक पूरा शादी का एक किस तरीके से वो एक सिनेरियो रहता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई। लेकिन मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान कन बात थी, क्योंकि मैंने जम्मू आज से पहले इस तरह से नहीं देखा, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद पहाड़ी इलाका है जम्मू जो है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो देखकर कई लोग कहेंगे कि ये स्मार्ट सिटी जैसा तो कुछ लग नहीं रहा, लेकिन अभी तो काम शुरू हुआ है वहाँ पे, तो ऐसे 1-2 साल में थोड़ी इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये होगा। और जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे जो अभी शुरू किए हैं, और जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चल रहा है, वो हाईवे भी इतना अच्छा रोड बन गया है और फ्लाईओवर बन गया है, तो ये सब धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे भी जो पूरे भारत में देखते हैं उस तरीके से स्मार्ट सिटी डेवलप होगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा तो वो वॉल जो थी जिसमें वहाँ के कल्चर के बारे में और जो आर्मी की थी टाइगर हिल्स के बारे में उस पर डिज़ाइन थे, तो वो बहुत ही अच्छा था। और तो ये जो हो रहा है ये 370 के बाद हो रहा है ये सब, तो ये एक फ़ायदा है जो लोग विरोध करते हैं 370 का, तो उसके हटने से ये एक फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे भी अब इस तरीके की डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।